नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में जनसभा उन्होंने की है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि पहले और दूसरे चरण में हुई वोटिंग ने स्पीड ब्रेकर दीदी की नींद उड़ा दी है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दीदी को अब 23 मई के बाद समझ आ जाएगा कि जनता के साथ गुंडागर्दी करने, उनके पैसे लूटने और विकास रोकने का नतीजा आखिर क्या होता है। आपने नहीं किए हैं, मैंने भी की है, क्योंकि जब मैं उनको देखता था टीवी पे, कभी कभार मिलता था, तो मुझे लगता था कि सचमुच में सादगी की मूर्ति है, मेहनत करती है, बंगाल का भला चाहती है, लेफ्टिस्टों से बंगाल को मुक्ति दिलाना चाहती थी। मैं भी ऐसा मानता था।